afternoon everyone, my name is Shubhanji Saket. My course name is AMT from FIMS Rewa. My topic name is pancreas. आइए हम आज pancreas के बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं. pancreas हमारे abdominal cavity में पाया जाता है. इसकी खोज लैंगर हंस ने की और इसे mixed gland कहते हैं. तो पहले हम gland के बारे में जान लेते हैं. gland हमारे body में 3 types के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड. जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हार्मोन्स और एंजाइम प्रोड्यूस करता है और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो जूस प्रोड्यूस करता है. और जो मिक्स्ड ग्लैंड होता है वो हार्मोन्स, एंजाइम और जूस तीनों चीज़ प्रोड्यूस करता है. हमारे बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड 7 टाइप के होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड 9 टाइप के होते हैं और मिक्स्ड ग्लैंड ओनली वन टाइप का होता है, जो ये pancreas होता है. pancreas का वेट 100 ग्राम का होता है. pancreas जो होता है 3 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल. जो अल्फा सेल होता है वो ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, बीटा सेल इंसुलिन का प्रोड्यूस करता है और जो डेल्टा सेल होता है वो सोमाटोस्टेटिन हार्मोन का प्रोड्यूस करता है. पहले हम बीटा सेल के बारे में जान लेते हैं. बीटा सेल क्या होता है? जब हम बाहर से भोजन लेते हैं, भोजन के रूप में हम जैसे चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सैलेड खाते हैं या स्वीट खाते हैं, तो उसका जब डाइजेशन होता है तो लास्ट प्रोडक्ट शुगर बनता है जो ब्लड में घुल जाता है, जिसे हम ब्लड शुगर भी कहते हैं या ग्लूकोज भी कह सकते हैं. जब हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में शुगर बन जाता है तब बीटा सेल जो होता है वो इंसुलिन का श्रावण करता है और ये इंसुलिन एक्सेस अमाउंट में बना हुआ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है. जो ग्लाइकोजन होता है वो स्टोरेज फूड होता है और ये फूड जाके लीवर में स्टोर हो जाता है. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा pancreas सही तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसके कारण इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर रहता है उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और एक्सेस अमाउंट के होने के बाद भी इंसुलिन का जब श्रावण नहीं हो पाता तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता. ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट नहीं हो पाता तो बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण एक डिसीज़ होता है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं. आइए हम डायबिटीज़ के बारे में कुछ जानते हैं. डायबिटीज़ 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़. जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है ये एक जेनेटिक डिजीज़ होता है, ये हमें बाय बर्थ मिलता है. टाइप 1 डिजीज़ में क्या होता है? जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, पहले हम इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं. जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो WBC का काम होता है. WBC हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को रेगुलेट करता है. जब कभी हमारे बॉडी में वायरस, बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन अटैक करते हैं तो WBC उसको किल कर देते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी की रक्षा हो जाती है. WBC एज अ सोल्जर का काम करती है. तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है ये हमारा इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव कर देता है कि ये pancreas के सेल को ही किल कर देती है. जो अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है और डेल्टा सेल होती है, इनको ही किल कर देती है, जिसके कारण इंसुलिन का श्रावण नहीं हो पाता है और हमारे बॉडी में ब्लड शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है. अब इससे बचने के लिए इंसुलिन आर्टिफिशियल टाइप में लगाया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा पेशेंट के बॉडी में इंसुलिन का इंजेक्ट कराया जाता है. टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? ये हमारे लाइफ साइकिल से रिलेटेड होता है. इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में स्वीट खाता है और ज़्यादा जंक फूड खाता है और फास्ट फूड ज़्यादा खाता है, जिसके कारण ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है और इस प्रकार के डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करके कंट्रोल कर सकते हैं,
मॉर्निंग वॉक कर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने डाइट को सही तरीके से मेंटेन करके हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आ गया हमारा जो अल्फा सेल होता है वो ग्लूकागोन हार्मोन्स निकालता है। ग्लूकागोन हार्मोन्स क्या करता है कि जो हमारे लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जब कभी हम बाहर से खाना नहीं खा पाते हैं और जिसके कारण हमें एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो जो हमारा ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में ग्लूकागोन के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद डेल्टा सेल सोमैटोसिनेटिक हार्मोन का श्रावण करती है, जो BMR को रेगुलेट करती है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये सोमैटोस्टैटिन ये कंट्रोल करता है कि किस बॉडी में, किस ऑर्गन में कितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए। हमारा जो नॉर्मल शुगर होता है, फास्टिंग शुगर, मीन्स खाना खाने से पहले 70 से 100 DM होना चाहिए और खाना खाने के बाद 70 से 140 DM होना चाहिए। थैंक यू।